पहनकर बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर चाबी का छल्ला घुमाते हुए खूब जोरदार ठाट से घर से बाहर निकलता है तो लोग कह देते बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सन नहीं है, इसके चेहरे पर रत्ती भर सन नहीं है, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सन नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए और वो दुख आने पर भी अगर आप मंदिर में जाकर भगवान से दुख काटने को नहीं कह रहे, आप शिवालय में जाकर भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट देना, आप तो शिवालय में जाकर केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान देवाधिदेव महादेव से जगत जननी जगदम्बा खुद कह देती है माता पार्वती कि इसको इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो शंकर भगवान भी कह देते हैं अगर ये मेरे मंदिर में मुस्कुराते हुए आया है तो अब इसका दुख मैं काटूंगा, ये मुस्कुराता ही रहेगा, ये मुस्कुराएगा। हम उसके भरोसे पर हो जाए, हमारा प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल हमारा देवाधिदेव महादेव का हो जाए। एक शिव भक्त का शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए आपके चरण में आपके शरीर में आपके कपड़ों में मंदिर की रज शिवालय की रज शिवालय का कंकर शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है गीला हो रहा है उस कीचड़ लगे हुए पांव से उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर संवाद एक इक्षु महापुराण के अंतर्गत काश्मीर प्रदेश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा, भजन करना उसका एक आनंद था। भक्ति में लगा रहता, भजन में लगा रहता, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम का गुणगान करता रहता। अब एक बात आप लोगों को पहले कही कि यह जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। पिता अगर एक श्रेष्ठ वक्ता है तो पुत्र भी श्रेष्ठ वक्ता होगा। मां अगर धर्मात्मा है तो बेटी भी धर्मात्मा होगी, ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो बेटे के भाग्य में भी सुख होगा, ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में हजारों एकड़ जमीन है, बेटे के भाग्य में हजार एकड़ है कि नहीं, ये पक्का नहीं है। हां, यदि संस्कार अगर बच्चे को मिल रहे हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर पोषित हो रहा है, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर बढ़ रहा है, बच्चा संस्कारित हो रहा है, तो यह निश्चित है कि फिर पलटकर देखने की जरूरत नहीं है। हम पहले कहे आज फिर कहते हैं 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं कॉलेज भेजते हैं स्कूल भेजते हैं कोचिंग भेजते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर राम बनाने की चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ाकर अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की मात्र ओनली 20 दिवस केवल 20 दिन केवल 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। केवल 20 दिन की कुसंगति, 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को कोचिंग दे रहे हैं ट्यूशन दे रहे हैं अच्छी जगह पढ़ने भेज रहे हैं ज्ञान की बातें कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। कोई ऐसी संगत में बेटा पड़ जाता है, ऐसे मित्रों की संगति पड़ जाती है, ऐसे साथियों की संगति पड़ जाती है, ऐसे व्यक्ति की संगति पड़ जाती है कि उसका जीवन 20 दिन के अंदर वो रावण बन जाता है। उसका मन चित्त वृत्ति उसके विचार अलग हो जाते हैं, घर से अलग। आप अपने बच्चों की आदत डाल दो, शिवजी के मंदिर में जाना है एक लोटा जल चढ़ाना, डालो बच्चों की आदत। जिस घर के बच्चे
शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं। जिस घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर का द्वार जाना चालू कर देते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम के द्वार नहीं जाते हैं। आपके बच्चे अगर मंदिर जा रहे हैं, आपके बच्चे अगर शिवालय जा रहे हैं, आपके बच्चे भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, प्रयास करना आपके घर का बच्चा अगर शंकर के मंदिर जा रहा है, आपके घर के बेटा बेटी अगर शिवालय जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो शिव की सेवा करना जानता है, वो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना भी जानता है। उसको आता है कि मेरे घर के बुजुर्ग की सेवा मुझे कैसे करना, उसको ज्ञात है। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी नगर शरण आपो। महाराज जब हमारे घर के बच्चे शिवालय तक जाने लगे, मंदिर तक जाने लगे, शिव की चौखट तक जाने लगे, भगवान के द्वार तक जाने लगे, समझ लेना कि अब आपके बच्चे संस्कारिता का आनंद पा गए। जाएं वो देवव्रत, काश्मीर प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण है देवव्रत, जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अपनी बेटी को रोज ज्ञान देता है, प्रतिदिन अपनी बेटी को समझाता है। पर संगत बिगड़ गई, अपनी बेटी से रोज कहता है कि शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ा दिया कर, अपनी बेटी से कहता है अगर शिवालय नहीं जा सकती तो दो मिनट भगवान का भजन कर लिया कर, अगर भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मंत्र जाप कर लिया कर, मंत्र जाप नहीं कर सकती तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर उनके द्वार की सेवा कर लिया कर। पर बेटी ना तो जल चढ़ाने जाती है, ना मंत्र जाप करती है, ना नाम जाप करती है, पर बेटी अपने पिता देवव्रत से संवाद जरूर करती है। जल चढ़ाने से क्या होगा, आपके घर के भी बच्चे कर देते, कभी कभी पानी चढ़ाने से क्या होगा। जल चढ़ाने से कौन सा फायदा है? एक बात बहुत ध्यान लगाना, बारिश का पानी, आकाश से जल, बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो वो नाली में जाएगा, खड्डे में जाएगा, खड्डे में से नाली में जाएगा, नाली से गटर में जाएगा, गटर से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से तालाब सरोवर होता हुआ आखिरी में समुद्र के पास पहुंच जाता है। बारिश का जल गिरा तो वो समुद्र तक पहुंच जाता है। आपके नजदीक के मंदिर में जो शिवालय है, उस शिवालय पर अगर एक लोटा जल गिरा तो वो महादेव तक पहुंच जाता है, महादेव तक पहुंच जाएगा। आपने जो जल समर्पित करा, आपने जो जल चढ़ाया, आज बसंत पंचमी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है, 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय है। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। महाराज बेटी को दिया ज्ञान पर बेटी मानती नहीं, प्रश्न बहुत करती है, बहुत प्रश्न। पहले का एक समय था जिस समय पर माता पिता जो कह देते थे बच्चे वो मानते थे,
बीच का एक समय ऐसा आया कि माता पिता कहते जरूर हैं, बच्चा मानता भी है, पर मन में संशय रखता। अभी का जो समय चल रहा है, जैसे टीवी पर वो क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट करना है सबको बिठा के टीवी पे, डिबेट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। आज का समय केवल टीवी पर डिबेट करने का नहीं है, घर में भी रोज का डिबेट चल रहा है, प्रतिदिन का। पिताजी कहते हैं मंदिर जा, बेटा कहता है क्यों जाऊं, बस यही क्रम चालू हो जाता है। बहू कहती है सास को, सास कहती है बहू को, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, वो इधर पांव खींच रहा है, वो इधर पांव खींच रहा है, अंत उसका सार्थत्व तक नहीं पहुंचा, मंजिल मिला क्या। जितने भी चैनल खोलो और उस पर डिबेट होता हुआ दिखे तो आप प्रयास करना कि इसमें कहीं मंजिल मिल जाए तो जरूर बताना, मंजिल नहीं मिलती, किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता और वो संशय में घूमता रहता है। आज भी घरों में यही हो रहा है, माता पिता बच्चों से कहें कि तू जल चढ़ाने जा, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम प्रणाम करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम भजन करो, माता पिता बच्चों से कहें कि तुम कीर्तन करो, पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा हमेशा कहते आई है कि कल परसों की कथा में भी कहा था, एक माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर संत से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे से कह दो कि ये शक्कर ना खाए, मीठा ना खाए। गुरुजी ने एक हफ्ते का समय मांगा और एक हफ्ते बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम शक्कर मत खाना, तो माँ को क्रोध आ गया। ये बात तो तुम एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे, तो गुरुजी ने कहा, कह तो सकता था पर उस समय तक मैंने शक्कर छोड़ी नहीं थी, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक दूसरे से कहूंगा कैसे, इसलिए पहले मैंने छोड़ी है। आप से निवेदन है, अपने बच्चे को ज्ञान देने से पहले स्वयं पहले मंदिर जाना प्रारंभ करो, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो, एक बिलपत्र बाबा को समर्पित करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप ढलते चले जाएंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ढले। देवव्रत, कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपनी बेटी को हमेशा कहता है अपनी संगति सही रखना, विचार सही रखना, सोच सही रखना, गलत लोगों में मत पड़ जाना, गलत लोगों के बीच में मत जाना, बार बार अपनी बेटी को समझाता था, पर बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह करने के बाद भी बेटी की चित्त बुद्धि सही नहीं हो पाई, वो विवाह होने के बाद भी पर पुरुषों पर उसकी दृष्टि पड़ी रही, पर पुरुष पर उसकी दृष्टि पड़ी। स्कंद पुराण का यह संवाद है, स्कंद पुराण का संवाद। दृष्टि गलत पड़ी रही, शादी होने के बाद भी पर पुरुष पर उसकी दृष्टि जाती थी। जो नारी विवाह के पश्चात किसी दूसरे पुरुष के साथ में स्मरण करे या शादीशुदा किसी पुरुष का घर तोड़ दे, वो नारी की गति स्कंद पुराण कह रही है। ये स्त्री, ये नारी, ये कन्या जिसका विवाह कर दिया गया और सोच नहीं सुधर पाई, वो नारी प्राण त्यागने के बाद में एक कुतिया का जन्म पाई। अब कुतिया तो बन गई, पर कुतिया का जन्म कैसा मिला, एक पांव उसका विकलांग था, कान टूटे हुए थे, आंखों से एक आंख फूटी हुई थी और शरीर पूरा खुजली के कारण उसके पूरे शरीर के, उस जो स्वान की योनि मिली है, कुत्ता की योनि मिली है, उसके शरीर के पूरे बाल, पूरी खाल जगह जगह से निकली हुई थी। सारी दुनिया उस कुत्ते को देख रही है, उस स्वान को देख रही है, उस कुतिया को देख रही है, सारी दुनिया उसको देख कर कहती है बेचारा कैसा है। बताओ आपके भी मोहल्ले में कोई कोई कुत्ता ऐसा होता होगा तो आप पे दया आती कि नहीं आती, अरे मुंह से तो बोलो आती है ना दया, कैसा भयंकर है, बेचारे को कितना कष्ट है, बेचारे को कितना दुख है, बताओ उसको ये रोग हो गया, उसका एक पांव टूट गया, उसके बताओ दिख भी नहीं रहा उसको, तो बेकार में पड़ा हुआ बेचारा। अब वो कुतिया की योनि पा गई और कुतिया की योनि पाने के बाद शरीर में उसके रोग हो गया। एक दिन देवव्रत के मन में ये बात उत्पन्न हो गई कि मेरी बेटी का हुआ क्या, मेरी बेटी जो मर चुकी है वो गई कहां। एक दिन देवव्रत भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठ गया, अखंड जाप करने के लिए बैठ गया, उठता ही नहीं है, उठता ही। किसी किसी के पूर्व का पुण्य होता है तो
तो मनुष्य के जन्म में भी उससे भजन होता है। किसी का पूर्व का पुण्य हो तो जिस समय पर महाभारत में पांडवों में युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम अर्जुन ये सब थे और जिस समय पर अर्जुन मर गया जिसने महाभारत सुनी होगी उसके स्मरण में होगा। अर्जुन मरा, अर्जुन के प्राण छूटे किस समय, जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करा और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अश्व छोड़ा गया। वो अश्व घूमते 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 जा रहा था, अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते मां दिग्विजय कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गया और मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी, देखिए अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी और एक चित्रंगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रंगदा मेरी पत्नी रहती है और उसका बेटा भी यहीं रहता है बुरब्रभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं और मेरे पिता आए हैं तो सम्मान करने के लिए अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया तो अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं और तू मुझसे संबंध निभा रहा, तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था पर तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुब्रभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी और उलूपी ने देखा कि बुब्रभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं, तब उलूपी ने कहा बुब्रभान मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुब्रभान ने कहा मां अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो। इसी समय पर उलूपी ने कह दिया ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है वो युद्ध के मैदान में ये नहीं देखता कि पिता है कि कौन है, आओ और तुम युद्ध लड़ो, बस इतना कहना था। और कहते से बुब्रभान ने बाण चलाना प्रारंभ करे, इधर अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ करे, दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध होते होते आगे तक बढ़ा, इतनी देर में बुब्रभान को भी घात लग गई और अर्जुन के प्राण छूट गए, अर्जुन के प्राण छूट गए। आई चित्रंगदा रोती रोती आई, मेरा पति चले गया, बेटे तुमने क्या कर दिया, अपने पिता को मार दिया, अपने पिता को समाप्त कर दिया। मां मैं पिताजी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, पर मां ने कहा है, उलूपी माता बोली है मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। चित्रंगदा ने कहा उलूपी तेरा मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया और तू अपने बेटे से कहती है कि युद्ध लड़ो। चित्रंगदा के सामने उलूपी ने कहा मैं छत्राणी हूं, छत्री की बेटी हूं, मैंने अपने बेटे को इस बुब्रभान को केवल एक छत्री का फर्ज अदा करने का प्रयास करा है। ब्राह्मण हो ब्राह्मण कर्म से पीछे मत हटना, वैश्य हो वैश्य कर्म से पीछे मत हटना, क्षत्रिय हो क्षत्रिय कर्म से पीछे मत हटना और शूद्र हो तो शूद्र कर्म से पीछे मत हटना, यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, उससे हम पीछे कैसे हटे। तुमने श्रेष्ठ नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा। रो रही चित्रंगदा, रो रही है, आंखों में जल भरा है, ये अर्जुन मर गए अब जीवित कैसे होगा। उलूपी ने कहा मैं नागों की कन्या हूं, मैं जानती हूं अर्जुन को जीवित कैसे करना, क्या कर सकती हूं। बुब्रभान धतराष्ट्र सर्प के पास जाना और उस धतराष्ट्र सर्प कौन, शिवजी के गले में कौन सा नाग होता है, जम के बोलो जरा, वासुकी नाग, शंकर भगवान के गले में होता है।
वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। वो धृतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देवाधिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे तो वासुकी नाग ने देवाधिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देवाधिदेव महादेव ने कहा वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूँ। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धृतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा धृतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा। भूब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धृतराष्ट्र ने कहा तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्य का मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। तब तक जब तक देव अधिदेव महादेव इशारा ना कर दें तब तक इसका काल नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। भूब्रभान उलूपी चित्रंगदा शिवजी की आराधना में लग गई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने क्या कृपा करी। शंकर भगवान ने खुद धृतराष्ट्र से कहा बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि भूब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला, भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर जाइए जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है जिससे वो व्रत सफल कर पाता है। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है भगवान शंकर की, वो कौन सी एक माता एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है। वो केवल एक देवी है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शाकंभरी। केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल शकंभर तप साधन। कितना सुंदर कहा है जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की तीन कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई, तीनों निकल कर गई। इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया, क्रोध आ गया, हे मेना धन्या कला मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है उतनी देर तक
उसके हृदय में शकंभरी माता का निवास होता है। शकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती, जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है उतनी देर तक शकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शकंभरी को क्रोध है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार मैना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये तीन देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर जा रहा है, शिवजी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है, लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप एक लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे, तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, लो एक और आ गई सीओर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापिस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है, तो समझ लो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की सीढ़ी पर पांव रख दिया। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया, क्या उसको बर्बाद हो? निश्चित है। देवव्रत शिवजी के सामने बैठा है, घोर तप कर रहा है, घोर तप, अखंड तप करने में लगा हुआ, और ऐसा अखंड तप देवव्रत कर रहा है, उसको केवल एक चीज मालूम करना है कि मेरी बेटी जिसको मैं समझा कर रह गया, वो बेटी की दशा कैसी है। तब देवव्रत ने अखंड तप करा, मेरे देवाधि देव महादेव खुद नहीं आए, मां अम्बा नहीं आई, जगदम्बा नहीं आई, शिव जी ने अपने नंदी को भेज दिया, नंदीश्वर जाकर मालूम करो देवव्रत क्या चाहता है, इस देवव्रत को चाहिए क्या, जाओ जरा मालूम करो, जाओ। और महाराज, तब साधना का जो बल होता है वो कोई साधारण नहीं होता। दूध में सुगंध गंध नहीं होती। दूध में सुगंध गंध कब आएगी? जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे, और घी निकालोगे तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया, तपाने के बाद में जब वो धीरे 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 घी बना, तब उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो गई। उसी तरह मनुष्य में उतना आनंद सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहा, दुनिया के लोग अपशब्द कहकर तुम्हें तपाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, फिर भी तुम भगवान शिव के शिवालय में जाती रहना। जब तपते रहोगे, तपते रहोगे, तपते रहोगे, तो एक दिन सुगंधित घी बन जाओगे और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तपाएंगे लोग, दुनिया के लोग कहेंगे जो कहना। और महाराज, जब हम भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाएंगे, तप लो, तप लो खूब दिल से, और जिस समय हम तप लिए, सुगंध अपने आप बढ़ती चली जाएगी, अपने आप बढ़े।
शिव कथा कह रहे हैं। देवव्रत ने जैसे ही तप साधना करी, नंदी आए, सुंदर एक बालक का रूप रखकर आए, और बालक का रूप रखकर आकर नंदी ने देवव्रत को जगाया। स्कंद पुराण का यह संवाद प्रत्येक शिव भक्त के लिए बहुत मायने रखता है। यह संवाद पहले की कथाओं में नहीं निकल पाया, पर कंजरी गांव में संतों के सानिध्य में सीताराम महाराज और यह पावन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यह संवाद निकला है, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के संवाद। बड़ा ध्यान रखना, नंदी 5 वर्ष के बालक का रूप रखकर आए, और नंदी देख रहे हैं कि देवव्रत समाधि में लीन है, तप में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन। नंदी ने जगाया, देवव्रत नहीं जगा। नंदी ने फिर जगाया, देवव्रत नहीं जगा, जगता ही नहीं। बहुत प्रयास करा नंदी ने, उठता ही नहीं। लगा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप में लीन नंदी ने देखा कि यह जगता नहीं है। मंदिर में जो घड़ियाल था, उस घंटाल को नंदी ने बजाना प्रारंभ करा। देवव्रत नहीं उठता, उठा ही नहीं। फिर बजाया, आखिरी में देवव्रत के नेत्र खुले। 5 वर्ष के बच्चे को देखकर थोड़ा क्रोध देवव्रत को आया, कारण मैं बेटा तप कर रहा था, और मैं बैठकर अगर तप कर रहा हूं तो मेरे तप साधना को क्यों क्यों नष्ट कर रहा है। आ जाता है कभी कभी क्रोध। घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जब दादी माएं, जब बुजुर्ग माताएं सेवा करती, और घर का छोटा छोटा बच्चा उनका सामान लेकर भग जाए, दिया ले गया, दीपक ले गया, अगरबत्ती उठा के ले गया, ठाकुर जी को जो भोग धरा रही थी भोगी उठा के ले गया, जो मोहन थाल रख रही थी मोहन थाली ले गया, कहीं ठाकुर जी की माला जी उठाकर ले गया, तो दादी को क्रोध आ जाएगा। पर उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान देख रहा है कि ये क्रोध करती है कि नहीं करती है, भगवान ये देखता है। अब इसको 5 वर्ष के बच्चे पर क्रोध आ गया, देवव्रत को क्रोध आया, उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ, इतने में बच्चे ने कह दिया, बाबा आपको तप करते हुए देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आया है, आप तप किसके लिए कर रहे हो, आप साधना किसके लिए कर रहे हो, आप व्रत किसके लिए कर रहे हो, आप उपास किसके लिए, किसके लिए। देवव्रत ने कहा, बस मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? बस एक इच्छा, मेरी बेटी जो प्राण छोड़कर चली गई है, उसको मुझे देखना है। वो है कहां, उसकी दशा क्या है। नंदी को हंसी आ गई, 5 वर्ष का नंदी ठहाका लगाकर हंस दिया, हंसा तो देवव्रत को और क्रोध आ गया। ए बालक, मेरे शब्द को सुनकर तू हंस रहा है? नंदी ने हंसते हुए कहा, बाबा जो कर्म कर कर मरा है, उसको अगर देखोगे तो आप भी रो पड़ोगे, इसलिए जो हो गया उसको आप मत देखिए, मत देखो। जो पूर्व में कर आए हो, उसे देखकर करोगे। कई लोग कहते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, फिर भी लोग हमारा बुरा क्यों करते हैं। हम कहते हैं, जी जी इस जन्म में तुमने किसी का बुरा नहीं करा, पर अगला जन्म किसने देखा कि तुमने किसका बुरा करा होगा। जिसका करा होगा वो आज तुमको त्राड़ दे रहा है, आज तुमको कष्ट दे रहा है। जिसने पूर्व समय में गौ माता को एक रोटी दी, प्रेम से उसको सहलाया, वो गौ माता तुम्हारे घर में गौ माता बनकर आ गई, वो तुम्हारे यहां सेवा कर रही। और जिसने गौ माता को देखकर एक रोटी देने के बाद में हट हट, अरे शास्त्र तो उठाओ, कितने वीरों में वीर थे, राजा जनक, राम जी महाराज के ससुर, दान वीर, भजनावली, कीर्तनी, दुनिया के लोग उनका नाम उच्चारण करते हैं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं, राजा जनक जैसा कोई नहीं। जनक जितने बड़े दानी थे, पुण्यवात्मा थे, स्मरणीय थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, उसके बाद भी राजा जनक को नरक का द्वार जाना पड़ा। कारण क्या था? उसके बाद भी राजा जनक नरक के द्वार पर, केवल एक कारण से। राजा जनक भी नहीं समझ पाए कि मुझे और नरक
इतना मैंने पाप कुछ नहीं करा, मैं तो राम जी का ससुर हूं, मैंने जानकी को पाला है, जानकी मेरे पास में रही है, मैंने सब यज्ञ करा है, और शास्त्र कहता है, श्रीमद भागवत कहती है, देवी भागवत कहती है कि वेद व्यास जी महाराज के यहाँ सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, सुखदेव जी महाराज शादी करने को तैयार नहीं हुए, तब वेद व्यास जी ने कहा किसी गुरु की शरणागति जाओ, तो वो राजा जनक की शरणागति में गए थे, और राजा जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज खड़े रहे थे, और सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु हैं तो वो जनक जी महाराज हैं, जब सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं, राम जी के ससुर जनक जी हैं, माता जानकी के पिता जनक जी हैं, तो फिर इनको नरक क्यों जाना पड़ा? केवल एक जरा सा काम था, एक छोटा सा काम, छोटा सा काम। जनक जी का रथ जा रहा था, अब समझना जरा, लोग कहते ना हमने किसी का बुरा नहीं करा, तो हमको ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तकलीफ क्यों आ रही है? हमें दुख क्यों आ रहा है? हमें कष्ट क्यों आ रहा है? हमें बीमारी क्यों आ रही है? ना तो मैं सुपारी खाऊं, ना मैं कभी गलत चीज खाऊं, उसके बाद में मुझे रोग क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही है? पूर्व का राजा जनक जी महाराज का रथ जा रहा था, जाते जाते रथ बीच में जब पहुंचा, सामने गाय खड़ी थी, गाय खड़ी, और इतने में जनक जी ने कहा एक काम करो कि गाय को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करो, रथ के बीच में गाय खड़ी है, गाय हट नहीं रही। जनक जी नीचे उतरे और गौ माता के आगे हाथ जोड़े, आप हट जाओ, नहीं हटी। इसके बाद राजा जनक ने गाय को धक्का देकर बस थोड़ा सा साइड में करा था, बस एक अंश की गलती कर दी थी कि गाय को एक हाथ से धकेल कर पीछे की ओर हटाया था, और गाय के पीछे से जनक जी महाराज निकल कर चले गए थे। तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज ने कह दिया, कौन आया है? राजा जनक बड़े पुण्यात्मा है, बड़े धर्मात्मा है, पर इन्होंने गाय को जाना था उधर, रास्ता चेंज कर दिया था इधर का, इसलिए इनका भी स्वर्ग का रास्ता चेंज कर दिया, जाना था स्वर्ग घूमते हुए लेकर जाए, ले जाओ रास्ता चेंज करो, बदलो रास्ता। जनक जी महाराज जब रास्ता बदला गया स्वर्ग जाने का, नरक से होते हुए जा रहे थे, नरक में पड़े हुए जीव सब चिल्ला रहे थे। जनक जी महाराज थोड़ी देर वहां खड़े हो गए। सारे जीवों ने चिल्लाना चालू कर दिया, महाराज रुक जाओ, आवाज लगा रहे जनक जी महाराज रुक जाओ। जनक जी महाराज ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज किसकी आ रही है? ये कौन चिल्ला रहा है? ये किसकी आवाज है? सब ने कहा, ये जो नरक में पड़े हुए हैं ना, ये चिल्ला रहे हैं। ये क्यों चिल्ला रहे हैं? कारण क्या है? जनक जी, आपने इतना दान पुण्य करा है, इतना अच्छा अच्छा काम करा है कि आप पुण्य आत्मा हो, आप बेकुंठ जा रहे हो, पर आप नरक के रास्ते से जा रहे हो, आपके शरीर से छूकर जो ये हवा चल रही है, ये हवा इनके पापियों के शरीर पे लग रही है, तो इनको जो कष्ट हो रहा था वो मल्लम का काम कर रही है, अब इनको कष्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये चाहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो। जनक जी ने कहा, तो एक काम करो ना, इन सबको नरक से मुक्त कर दो, नरक से मुक्त। धर्मराज कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक काम करो, जनक जी कहते हैं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, इनके लिए मुझे यहीं खड़ा कर दो, मेरे शरीर से हवा निकल कर जाएगी, वायु पवन निकल कर जाएगी, वो इनके शरीर को लगेगी, और इनको अगर सुख मिल रहा है मेरे शरीर से, तो मैं इनके लिए अपना शरीर भी दे सकता हूँ, मैं नरक में रह सकता हूँ। हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, आपको हम नरक में नहीं रख सकते, क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो, सत्कर्मी हो, भजनावली हो, हम आपको नरक में कैसे रखें? अगर हम नरक में रखेंगे तो देवता हमें चिल्लाएंगे, हम आपको नरक में नहीं रख सकते। तो जनक जी ने कहा, आप मुझे नरक में नहीं रख सकते और मुझे स्वर्ग में रहना नहीं जब तक इनका उद्धार होता नहीं। तो धर्मराज ने भगवान विष्णु से कहा, आप बताओ क्या करें। भगवान विष्णु ने देवधीरे महादेव से कहा, आप बताओ क्या करें। देवधीरे महादेव ने कहा, एक काम करो, राजा जनक के लिए सारे पापियों को छोड़ दिया जाए, उनका कल्याण कर दिया जाए। ये जनक का तत्व हमें लगता है, हमने कोई पाप नहीं करा, हमने कोई बेकार काम नहीं करा, पर हमारा रास्ता चेंज क्यों हुआ, हमें कष्ट क्यों आ रहा है, हमें दुख क्यों आ रहा है, उसके पीछे हमारा पूर्व का कोई कर्ण होगा, कोई कारण हो सकता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने,
कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी किसी के यहाँ डनलप का गद्दा बिछाए, एसी का रूम, वीआईपी रूम, सोते सोते भी एक गिलास केसर का दूध, फिर भी रात को नींद नहीं। और कोई कोई ये यहां से वहां तक देखना, पूरी रोड के बीच में डिवाइडर पर पड़े हैं, ऐसे सो रहे चकाचार। कोई दिक्कत नहीं, कोई रत्ती भर की टेंशन नहीं, सामान भी पड़ा है। और एक अपन वीआईपी गद्दा, वीआईपी भोजन, एसी का रूम, चकाचार, न मच्छर न मक्खी, सब वीआईपी। उसके बाद भी रात भर करवट बदलते रहे, कहीं घुटना, कहीं कमर, कहीं पीठ, कहीं हाथ, रात भर दुखता रहा। और यहाँ धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी को सांप भी डस लेता है तो बच जाते हैं। और कोई कोई एक ठोकर लगती है, बाथरूम में नहाने गई थी, फिसल गई और सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। और एक चींटी के काटे से मिट जाए नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं हो वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कुछ नहीं मिल सकता, कारण जरूर है। कितने संख्या में आ पाए, तीन तीन पंडाल भरे पड़े हजारों की तादाद में आप लोग आकर विराजमान हुए, और इससे भी ज्यादा लोग कंजरी और हालोल में रहते होंगे। क्या सब कथा में जाके बैठ गए क्या? नहीं। अरे कोई, अरे कोई कारण होगा। ये आने का प्लान भी बनाए थे, इनने विचार भी करा होगा कि 26 जनवरी की छुट्टी पड़ेगी, अपन चले। इनने सब प्लान बनाया, इनके प्लान से क्या होता है? पहले महादेव को भी तो प्लान बना दो कि तेरा क्या होगा रे कालिया। यहाँ बुला लेंगे तो फिर तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर यहां बुला लिया, यहां तक पहुंच गया तो इसको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये प्रमाण पत्र लेकर ऊपर पहुंच गया तो देख लो, शिव महापुराण की कथा में गया था कंजरी यमराज, मेर से तो कुछ बोलना ही मत, डिग्री है। तो भोलेनाथ ने भी सोचा, भैया जितनों को डिग्री देना है उतनों को ही बुलाओ, बाकी को डिग्री से दूर रखो, नहीं तो ये आफत कर देंगे ऊपर आकर। वैसे ही गुजरात वालों ने बहुत आफत करके रखी है दिल्ली में बैठकर। अब बोल सो तो बोल। तो इन्होंने कहा इनको नीचे ही पावागढ़ में, इनको पंचीड़ा रे उड़ के पावागढ़, इनको वही गरबा रंगने दो, नहीं तो ये मोखला बैठा बैठा नहीं। बस राम जी कहे देवव्रत से पूछा, बोलो पूर्व का क्या देखना है तुमको? मेरी बेटी का जीवन देखना है मुझे, मेरी बेटी, मेरी ये बेटी मत देख। देवव्रत रोएगा तड़फेगा बेटी की दशा देखकर, मुझे अपनी बेटी देखना। भगवान शंकर का शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन नंदीश्वर ने उठाया, देवव्रत के मस्तक पर लगाया। देवव्रत से कहा नेत्र बंद कर ले, शिव का स्मरण कर ले, तेरी बेटी तुझे नजर आ जाएगी। जो चंदन लगाया, भस्म धारण कराई, देवव्रत ने देखना चालू करा।
भस्म, चंदन, बेलपत्र, शिवजी पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री व्यक्ति के जीवन का ना जाने कितने जन्म के पापों को काट देता है, ना जाने कितने जन्म के पाप। काशी में एक व्यक्ति टेबल लगाया हुआ था, वो टेबल लगाकर उस पर भस्म बेच रहा था, भस्म बेच रहा, भस्म कपे की। एक अंग्रेज आ गया, अंग्रेज ने आकर पूछा क्या है ये, उसने अपनी भाषा में कहा, उसने कहा यह भस्म है लगाने की। अच्छा, उसने पैकेट उठाया, देखा, देखते से बोला इसकी एक्सपायर डेट कब की है। अब वो टेबल पर जो बैठा था भस्म बेच रहा था, वो अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक देख रहा कि भस्म की एक्सपायर डेट पूछ रहा। टेबल पर भस्म बेचने वाले ने कहा कि इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, पर यह पक्का है कि तू सिर पे लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट आगे खसकती रहेगी, ये पक्का। इसकी नहीं मालूम कि इसकी एक्सपायर डेट कब की है, ये कब समाप्त होगी, पर तेरे समाप्ति की जो तारीख है वो इस भस्म को लगाने से आगे बढ़ती चली जाए, ये निश्चित है, ये पक्का है, ये सहज नहीं है बड़े। इसीलिए महाराज हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। उसने अपनी बेटी के जीवन को देखा तो वो एक कुतिया की योनि में, एक स्वान की योनि में
पांव टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, आंख फूटी हुई है, मुख से ज्यादा कुछ खा नहीं सकती, शरीर के पूरे बाल निकल गए, जैसे एक कोई कुत्ते को तुमने देखा होगा उसका पूरा शरीर बेकार हो जाता है, वो पड़ा हुआ है। देवव्रत रो रहा है, रोने लगा देवव्रत, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे देवव्रत, और देवव्रत की आंख से जब आंसू बहने लगे, रोने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा, जल बहने लगा, नंदी करे क्यों रो रहे हो? देवव्रत कहता है मेरी बेटी की यह दशा मुझसे नहीं देखी जाती, कुछ कृपा करो। भगवान नंदीश्वर ने कहा कृपा करने वाला तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बड़ा सरल, बड़ा सहज, बड़ा सरल है, एक लोटा जल चढ़ा दो और वो सारी समस्या का हल कर देता है, ऐसा देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, मैं मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से आया हूं, कहीं बैठे हो मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बार वापस हिला दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मोहित चतुर्वेदी अहमदाबाद से आया हूं, मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं बहुत अधिक कर्जे में दब गया था, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं, मुझ पे इतना कर्जा हो गया था कि मेरी पूरी सैलरी सिर्फ ईएमआई में चली जाती थी, इतना ही नहीं मेरी नौकरी में भी दिक्कत होने लगी। अगस्त 2022 में मुझे नोटिस भी दिया गया कि मेरी कंपनी की ओर से, उसी समय मेरी सास मेरे घर पे आई हुई थी, वो उनकी शिव महापुराण की कथा रोज सुनती थी, आपकी कथा जब वो रोज सुनती उन्हीं के साथ मुझे और मेरे पत्नी को भी शिव महापुराण की कथा के बारे में पता चला, और हम दोनों ने शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कंपनी ने कह दिया था कि आप इस कंपनी को छोड़ दीजिए, और मेरी कर्जा भी बहुत था गुरुदेव, मेरी पत्नी पशुपति नाथ का व्रत करना शुरू कर दी। बड़ोदरा की कथा में अपने पूरे परिवार के साथ आया और 3 और 4 दिसंबर की कथा बड़ोदरा में सुनी। 5 दिसंबर को आखिरी पशुपति नाथ का व्रत पूरा हुआ, उसके अगले ही सोमवार यानी 12 दिसंबर को मुझे, 12 दिसंबर को गुरुजी भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक और लेटर मुझे प्राप्त हो गया। इस बार जो लेटर था बाबा की कृपा से, मेरा प्रमोशन का लेटर था, मुझे शिव की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव हम जब पढ़ाई करते हैं ना गुरुदेव, तो हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते कि शिव जी को जल चढ़ाने से कुछ होता है, व्रत करने से कुछ होता है, पर बाबा का जो प्रताप देखा है ना गुरुदेव, वो एक लोटे जल का देखा है, उस एक लोटे जल ने आज हमारी तनख्वाह भी बढ़ गई, प्रमोशन भी हो गया, और बाबा की कृपा से कर्जा भी चुक गया गुरुदेव। इसलिए हम आज कंजरी गांव में बाबा को अपना प्रमोशन लेटर जो कंपनी ने भेजा था वो बाबा को समर्पित करने आए हैं। बाबा की कृपा से मेरा प्रमोशन लेटर मुझे प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से मुझे प्रमोशन हुआ, ये मैं बाबा को नमन करने आया हूं। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, जो नहीं समझा उसको लगेगा केवल शिव महापुराण की कथा। बहुत सारे आते हैं कहते हैं, बोलो बोलो जमके चले जाए, जो नहीं समझा उसके लिए यही रहा, पर जो समझ गया, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जो कथा के पंडाल तक पहुंच गया, मेरा महादेव उसके दुख काटने उसके घर तक पहुंच गया, पहुंचा। कंजरी हालोल वालों को तो यह मौका मिल गया, हम बुरहानपुर वालों से भी कहेंगे 3 फरवरी से 9 फरवरी तक आपके यहां कथा है, बाबा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी आपके यहाँ आ रहा है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना और अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नवी कृषि मंडी में बरहानपुर में सुंदर कथा का लाभ लेकर बाबा से प्रार्थना करना कि आपका जीवन बाबा के चरणों में सार्थक। और जो रह गए कंजरी के लोग हालोल के, उनसे भी निवेदन है बाद में विचार करने में आएगा, गंगा नजदीक में आई और मैं डुबकी नहीं लगा सका, मेरी जिंदगी का मैं आनंद ले सका। एक
हॉस्पिटल होता है, एक एम्बुलेंस होती है। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस दोनों में अंतर है। हॉस्पिटल चलकर तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगा, चलकर कौन पहुंचेगी? एम्बुलेंस। प्राथमिक उपचार करती करती एम्बुलेंस तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी और फिर तुम्हें ठीक कर देगी। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये 7 दिन की एम्बुलेंस है जो आकर बैठ गया और परमात्मा के चरणों तक पहुंच गया। हे दुख, जीवन है मनुष्य का शरीर है, मानव की देह, ये मानव का शरीर मिला है। ऐसा नहीं कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई आपसे कह दे कि मैं आपको ऐसा कर देता हूं कि आपको दुख ही नहीं आएगा, तो फिर आप उसके हाथ जोड़ लेना और कह देना, जब राम जी थे उन पर भी दुख था, उनके भी गुरु एक से बढ़कर एक थे, तो फिर वो दुख क्यों नहीं काट सके? दुख आया है तो झेलना तो पड़ेगा। बस भजन के बल पर वो दुख थोड़ा थोड़ा कटते चले जाता है और हम परमात्मा के होते चले जाते हैं। कोई कहे तुमसे कि दुख नहीं आएगा, कपट नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया के दुख हरने वाले पर भी दुख आन भरा, जग को रोशन करने वाले को आधी रात में आना पड़ा। दुनिया के बंधन काटता वो उसको भी जेल में आना पड़ा। जो दुनिया के बंधन काटता है वो कारागार में जन्म ले रहा है, साधारणता नहीं है, ये पूर्व के कर्म का भोग। एक चिड़िया को सीता जी ने कैद में रखा, मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर मारा था बाली को, उस बाली ने छुपकर मारा भगवान कृष्ण के चरणों में मारा, जरा नाम का व्याघ्र बनकर। कर्म का भोग है, भोगना, जो पूर्व में किया आज भोगेंगे, आज करेंगे फिर भोगेंगे, उसको कौन टाल सका? देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी की ये दशा, एक स्वान की योनि, एक कुतिया की योनि, मेरी बेटी की, बिलक पड़ा, रो पड़ा, कुछ नहीं कर रहा। शंकर भगवान के शिवालय को, शिवलिंग को पकड़ लिया और पकड़ कर देवव्रत आंख से आंसू बहाने लगा। कुछ कृपा करो करुणा सागर, करुणा कर दीजिए दातार, कृपा कर दीजिए, मेरी बेटी ऐसी भयंकर योनि में पड़ी हुई है, शरीर पूरा खुजला हो गया है उसका, क्योंकि उसको अभिमान इतना था। पिता देवव्रत अपनी बेटी को समझाता था, गलत दृष्टि मत करना, गलत जगह पर मत जाना। परसों की कथा में कहा था, नियत, नीति और नजर, ये 3 गलत जगह पर चली जाती है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नियत अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए, नीति अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए, और नजर अगर गलत हो गई तो बर्बाद हो गए। नारी पर पुरुष पर अगर अपनी दृष्टि देती है, किसी का शादीशुदा जीवन है और उसके घर में आग लगाकर तू उसमें शामिल होना चाहती है, तो तू अपने अगली जिंदगी का स्मरण कर लेना, ये देवव्रत की कन्या का स्मरण कर लेना कि तेरी जिंदगी क्या होगी, तेरा जीवन क्या होगा। ये देवव्रत की कथा कर रही है। एक इतना बड़ा ब्राह्मण, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जो भगवान शिव की भक्ति में लगा है, तो भी इस कन्या को भोगना पड़ रहा है। क्यों? कर्म का भोग है। तेरी शादी हो गई थी, जिस पुरुष के साथ तू रह रही थी उसकी भी शादी हो गई थी, उस नारी को रोना पड़ रहा था, हाथ जोड़कर कहती थी मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति को त्याग दे, पर तू उससे इतनी आसक्ति कर बैठी, इतनी आसक्ति कर बैठी इस शरीर के चक्कर में। अब शरीर का सुख अब भोग ले, पांव टूट गया, आंख फूट गई, कान कट गया और पूरा शरीर खुजेला होकर और पड़ा है एक कोने में। देवव्रत रो रहा है, मेरी बेटी का उद्धार कैसे होगा, मेरी बेटी का उद्धार कैसे। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है कथा, पुरुषों के लिए भी है। तुम भी स्मरण करना, किसी के साथ अगर गलत कर्म किया है तो तैयारी रखना, ये अगर स्वान रूप में कुतिया बन सकती है तो तुम भी कुत्ता तो बन ही सकते हो। स्मरण रहे आपको, स्मरण रहे। नियत, फिर बोलो 3 चीजें, नियत, नीति, ये बहुत काम की है, ये नजर बहुत ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा लफड़ा यही करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी की है। भोगना सबको पड़ता है। एक आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर आम देखा किसने?
ललचाई कौन, आम तक कौन लेकर गया, चढ़ा कौन, तोड़ा किसने, हाथ खाया किसने, स्वाद किसने लिया, गया कहां, और माली ने पकड़ लिया, और जो दोचना चालू करा, पिटा कौन, रोया कौन, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, देखा भी तू नहीं था अब रोए भी तू, कर्म तेरा है भोगो। बस तुम भी देख लो किसी भी नारी को, स्त्री को, पुरुष को गलत दृष्टि से देख लो, फिर याद रखना, दरवाजे पे लिख लेना तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी कर लेना होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बच लो, रो रहा है देवव्रत, मेरी बेटी की दशा सुधर जाए ऐसा करूं, शिव जी का शिवलिंग पकड़कर बैठ गया, क्षमा कर क्षमा कर। नरसिंह मेहता, यही गुजरात के जूनागढ़ के शिव मंदिर में रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर रोए थे, तो उनको सांवरिया का दर्शन हो गया था। यही नरसिंह मेहता जूनागढ़ के, सांवरिया के भक्त थे पर सांवरिया का दर्शन कभी नहीं मिला था। शंकर जी का शिवलिंग पकड़कर रोए तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, सांवरिया का दर्शन चाहिए, चल मेरे साथ। नंदी पे बिठा कर ले गए नंदी पे, सांवरिया गौलोक धाम में रास कर रहे थे राधा जी के साथ में, ले जाके इनको खड़ा कर दिया। सांवरिया सेठ नाचते 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 जो नरसिंह जी को देखे तो पूछ लिया, यहां तो लोग मरने के बाद आते हैं, तू तो जीते जी आ गया, कौन लाया तुझको यहां। नरसिंह जी बोले जो लाया वो बाहर खड़ा है, तो क्या उसको अंदर क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों, कि जो अंदर नाच रहा है वो नाचने में एक्सपर्ट है, जिसको देख लेता उसको नचाना चालू कर देता। एक बार की बात है, भगवान सांवरिया सेठ ब्रजभूमि में लीला कर रहे थे, और मैंने पार्वती जी से कहा था कि मुझे भी राजमंडल में जाना है, पार्वती जी ने खूब मना करा पर मैं नहीं माना। फिर मैंने पार्वती जी जब मेरा श्रृंगार नहीं करी तो मैंने खुद 3-4 ब्यूटी पार्लर बुक कर दिए, और 4 पार्लर बुक करे तब वहां से कोई आया, फिर आके उन्होंने मेरे केश खोले और उनको चोटी बनाना चालू करा। 6 महीने तो उनको बाल सुलझाने में लग गए, तब उन्होंने चोटी तैयार करी, फिर मुझे साड़ी पहनाई, मेरा सुंदर श्रृंगार करा, सुंदर सुंदर। नरसिंह जी बोले सांवरिया सेठ से, मैंने उनसे कहा भी तुम्हें कोई पहचाना नहीं, सांवरिया सेठ से बोल रहे नरसिंह जी कि मैंने उनको कहा कि तुम्हें कोई पहचाना नहीं। तब सांवरिया सेठ वो भोलेनाथ जी कह रहे थे कि वो पार्लर वालों ने ऐसा श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं कि वो तो जब मुंह धुलता है तब मालूम पड़ता है कि हे क्या, तब ऐसे तो मालूम ही नहीं पड़ता। बाबा भोलेनाथ का जो श्रृंगार किया, ऐसे सुंदर तैयार होके शंकर जी बोले, मैं ब्रजमंडल में गया और मैं नाचने लगा गोपी बनकर, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचा। अब सांवरिया सेठ के पास में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि नाचते नाचते इनकी बुद्धि ना जाने कहां चली गई, नाचते नाचते बोले, ए गोपियों इतने दिनों से मैंने तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखा, जरा सब लाइन से खड़ी हो जा। मैंने भी मन में सोचा आज ही देखना था,
जिस दिन ट्रेन का टिकट नहीं लेते हैं उसी दिन टीसी से मुलाकात होती है, ये पक्का है। ऐसे तुम रोज चले जाओ, ट्रेन का टिकट लो बैठो, उस दिन टीसी नहीं आएगा, पक्का। तुम टिकट लेके बैठो, टीसी नहीं आएगा। और जिस दिन तुमने टिकट नहीं लिया, आ रहा उस भय लगा हुआ है, आ रहा इतने में कहीं का मूंगफली बेचने आ गया। सर क्या हुआ? कुछ नहीं, 10 रुपए की दे दो। इनको लगा टीसी है, इनको टीसी लग रहा, भय लग रहा। लाइन से खड़े हो गए, शंकर भगवान बोले नरसिंह मेहता से, हम भी लाइन से खड़े हो गए, इतना इतना घूंघट डला था। पार्वती ने कहा था मुंह मत दिखाना किसी को, हमने भी पल्लू पकड़ के रखा था, 3 जगह से पार्लर वाली ने पिन टच कर दी थी, जूड़ा से लेके पूरी की पूरी। और इतना